दिल्ली हाईकोर्ट ने दिव्यांगता कानून के तहत दो दिव्यांग बच्चों की मदद नहीं करने पर दिल्ली सरकार की आलोचना की है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दो साल पहले भरोसा दिया था कि सेरेब्रल पालसी से पीड़ित बच्चों के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। अदालत ने कहा कि इसके बावजूद बच्चों की मदद नहीं की गई, ना ही उनके मामले पर सकारात्मक रुख अपनाया गया। कोर्ट ने 8 सितंबर को आदेश जारी करके कहा कि दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग के संयुक्त निदेशक की तरफ से दायर हलफनामे से पता चलता है कि दिल्ली में बच्चों की हालत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार का आचरण अवमानना करने जैसा है और वो अवमानना नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन इसके बजाय उचित कार्रवाई करने का मौका दिया जाता है।